निकुंज कुंज वासिनी विलासिनी सुहासिनी सदा प्रिय अभिलाषिनी महाप्रभा प्रकाशिनी। राधे कृष्ण भक्तों, श्री राधा चरितामृत भाग 4, जिसका शीर्षक है ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया। उस निकुंज वन में बैठे श्याम सुंदर आज अपने अश्रु पोंछ रहे हैं। श्री राधा रानी ने देखा तो वो दौड़ पड़ी और अपने प्यारे को हृदय से लगाते हुए बोली, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, अपने आंसू पोंछ लिए श्याम सुंदर ने। श्री राधा रानी कहती हैं, मुझे नहीं बताओगे? श्री कृष्ण के कपोल को चूमते हुए श्री जी ने फिर पूछा, मुझे अब जाना होगा पृथ्वी में अवतार लेने के लिए, मुझे अब जाना होगा, पर मैं भी तो जा रही हूँ ना, मैं भी तो आपके साथ अवतार ले रही हूँ। हाँ, पर हे राधे, मैं पहले जाऊँगा। तो क्या हुआ, पर आप रो क्यों रहे हो? तुम्हारा वियोग राधे के इस अवतार में संयोग वियोग के तरंगे निकलती रहेंगी। मेरा हृदय अभी से रो रहा है, आपको मेरा वियोग 100 वर्ष का सहन करना पड़ेगा। पर प्यारे, संयोग में तो एक ही स्थान पर प्रियतम दिखाई देता है, पर वियोग में तो सर्वत्र सभी जगह। मुझे पता है कि मेरा एक क्षण का भी वियोग आपको विचलित कर देता है, पर कोई बात नहीं, लीला ही तो है ये हमारा, वास्तव में कोई वियोग तो है नहीं ना। इसलिए अब आप ये अश्रु बहाना बंद करो। और हाँ, कुछ सोचने लगी श्री राधा फिर बोली, हाँ मुझे ब्रजमंडल नहीं दिखाओगे? प्यारे, मुझे दर्शन करने हैं उस ब्रज के जहाँ हम लोगों की केली होगी, जहाँ हम लोग विहार करेंगे। चलो उठो, श्री राधा रानी ने अपने प्राण श्याम सुंदर को उठाया और दोनों ब्रज मंडल देखने के लिए चल पड़े। श्री राधा चरित्र का गान करते हुए इन दिनों महर्षि सांडिल्य भाव में ही डूबे रहते हैं। वज्रनाभ को तो श्री राधा चरित्र के श्रवण ने ही देहातीत बना दिया है। हे वज्रनाभ, ब्रज का अर्थ होता है व्यापक और ब्रह्म का अर्थ भी होता है व्यापक, यानी ब्रह्म और ब्रज दोनों पर्याय ही हैं। इसको ऐसे समझो जैसे ब्रह्म ही ब्रज के रूप में पहले ही पृथ्वी में अवतार ले चुका है। गलवैया दिए युगल सरकार ब्रजमंडल देखने के लिए अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। देवताओं ने जब युगल सरकार के दर्शन किए तो उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। हमें भी ब्रजमंडल में जन्म लेने का सौभाग्य मिलना चाहिए, समस्त देवों की यही प्रार्थना चलनी शुरू हो गई। हे वज्रनाभ, इतना ही नहीं, ब्रह्मा शंकर और स्वयं विष्णु भी यही प्रार्थना कर रहे थे। देवियों ने बड़े प्रेम से युगल मंत्र का गान करना शुरू कर दिया। इनकी भी अभिलाषा थी कि हम अष्ट सखियों की भी सखी बनकर बरसाने में रहेंगी, पर हमें भी सौभाग्य मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ श्री राधिका जी ने देखा तो एक लंबी लाइन लगी है। प्यारे, ये क्या है इतनी लंबी लाइन, और ये लोग कौन हैं? हे प्रिय, ये समस्त तीर्थ हैं, ये बद्रीनाथ हैं, ये केदारनाथ हैं, ये रामेश्वरम है, ये अयोध्या है, ये हरिद्वार हैं, ये जगन्नाथपुरी हैं, ये अनंत तीर्थ आपसे प्रार्थना करने आए हैं। और इनकी प्रार्थना है कि बृहस्थानपुर अर्थात बरसाना के आसपास ही हमें स्थान दिया जाए, तभी हमें भी अल्हादनी की कृपा प्रसाद प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो पापियों के पापों को धोते धोते ही हम उस प्रेमानंद से भी वंचित ही रहेंगे जो अब ब्रज की गलियों में बहने वाला है। उच्च स्वर से जगत का मंगल करने वाली युगल महामंत्र
का सबगान करने लगे। मुस्कुराते हुए चारों ओर दृष्टिपात कर रही थी अलहादनी श्री राधा रानी, और जिस ओर ये देख लेती हैं वो देवता या कोई तीर्थ भी धन्य हो जाता है। जय हो का उद्घोष करने लग जाता है। ब्रजमंडल का दर्शन करना है प्यारे, श्री राधा रानी की इच्छा अब यही है। हाँ तो चलो, मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर ने कहा, और ब्रजमंडल कुछ क्षण में ही प्रकट हो गया। ये है ब्रजमंडल, देखो, श्याम सुंदर ने दिखाया। ये है यमुना, यमुना को देखते ही आनंदित हो उठी श्री राधा रानी। और ये गिरिराज गोवर्धन, और ये ब्रज की राजधानी मथुरा दृश्य जैसे प्रकट हो रहे थे। श्री राधा रानी सबका दर्शन करती हैं। हे राधे, यह देखो महाराजा सूरसेन, इनके यहाँ पुत्र हुए हैं वसुदेव नाम है उनका, मेरे यही पिता बनने वाले हैं। हाथ जोड़कर श्री राधा रानी ने प्रणाम किया नवजात वसुदेव को। और ये देखो, ये है मेरा गोकुल गांव, सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है, श्री राधा रानी ने कहा। तमाल के अनेक वृक्ष हैं, मोर छली कदम नीम पीपल और अनेक पुष्प की लताएं हैं, उनमें पुष्प खिले हैं, घने वन हैं, मादक सुगंध उन वन से आ रहा है। प्यारे देखो, गोकुल में भी बधाई चल रही है, यहाँ भी किसी का जन्म हुआ है। श्री राधा रानी आनंदित हैं। वो है प्रजन्य गोप, ये इस गांव के मुखिया हैं, इनके अष्ट पुत्र हो चुके, ये इनके नवम पुत्र हैं नंद गोप, मेरे नंद बाबा, मेरे बाबा मेरे यही पिता हैं श्री राधे, पर आपके पिता तो वसुदेव जी हैं। पिता जन्म देने मात्र से नहीं बनते, जब तक उनका वात्सल्य पूर्ण रूप से पुत्र में बरस न जाए तब तक पिता पिता नहीं, माता माता नहीं। नंद बाबा इनका वात्सल्य मेरे ऊपर बरसा। श्री राधा रानी ने तुरंत अपना घूंघट खींच लिया था। ससुर जी जो हैं, और ये देखो हे राधे, ये है आपका गांव बरसाना, श्याम सुंदर ने दिखाया। अपनी होने वाली जन्मभूमि को श्री राधिका जी ने प्रणाम किया। पर प्यारे, यहाँ भी उत्सव चल रहा है, बधाई गाई जा रही है, कितने प्रेम पूर्ण लोग हैं यहाँ के, लगता है यहाँ भी किसी का जन्म हो रहा है। श्री राधा के गले में हाथ डाले श्याम सुंदर ने कहा, आपके पिताजी का जन्म हो रहा है, मेरे पिताजी का? श्री राधा रानी हंसी, हाँ आपके पिताजी, देखो मेरी प्रिय, वो जो भीड़ में बैठे हैं ना, पगड़ी बांधे मूछों में ताव दे रहे हैं, इनका नाम है महीभान। ये बहुत बड़े श्रीमंत हैं और शक्तिशाली भी बहुत हैं। इनके यहाँ ही आज पुत्र जन्मा है, आपके पिताजी वृषभान सूर्य देव के अवतार हैं, ये श्री कृष्ण ने कहा। इस बार दोनों युगल वर ने ही बरसाने धाम को प्रणाम किया था, हमें इसी बरसाना धाम के पास ही स्थान दिया जाए। बद्रीनाथ के अधिदेव आगे आए, उनके पीछे केदारनाथ भी थे। श्री राधा रानी मुस्कुराई, अच्छा ठीक है, बरसाने के उत्तर दिशा की ओर बद्रीनाथ आपका निवास रहेगा। केदारनाथ को उनके पास में ही स्थान दे दिया था। बरसाने की रेणु रजगढ़ में रामेश्वरम धाम को स्थान मिला। यहाँ की गोपियाँ जहाँ चरण रखे हरिद्वार वहीं बहे। श्री राधा रानी ने समस्त तीर्थों को प्रसन्न किया, फिर देवताओं की ओर देखते हुए बोली, हे देवो, तुम मथुरा में जन्म लोगे, फिर द्वारका तक तुम ही श्री कृष्ण के साथ जाओगे, और देवियों इन सब देवों की पत्नियां तुम ही बनकर जाओ। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, यही युगल संकीर्तन करते हुए सभी देवता चले गए थे अपने अपने लोकों की ओर। हे अलहादिनी, हे हरि प्रिय, हे कृष्ण आकर्षणी, हम तीनों देवों को भी जो कुछ स्थान मिले ब्रज में, हाथ जोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रार्थना की।
तब मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी बोली, हे विष्णु, आप गोवर्धन पर्वत के रूप में ब्रज में रहेंगे और हे ब्रह्मा, आप मेरे बरसाना धाम में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में यहाँ वास करेंगे और हे शिव, आप नंदगांव में रुद्राचल पर्वत के रूप में आपका वास रहेगा। दिव्याति दिव्य स्वरूपणी श्री राधा रानी के माधुर्यपूर्ण वचन सुनकर तीनों देव आनंदित हुए और प्रार्थना करते हुए अपने अपने धाम चले गए थे। राधे, देखो वो ग्वाला श्याम सुंदर ने दिखाए, वो ब्रज का ग्वाला बड़े प्रेम से गौ चराते हुए बड़ी मस्ती में गाता जा रहा था। ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया ब्रजमंडल, महर्षि सांडिल्य ने कहा, ब्रज की महिमा अपार है। हे वज्रनाभ, तुम ही विचार करो, जिस ब्रज की रज को स्वयं ब्रह्म चख रहा हो, उस ब्रज की महिमा कौन गा सकता है। मुझे जाना पड़ेगा, अब राधे अवतार का समय आ गया। श्री राधा रानी को अपने हृदय से लगाकर श्याम सुंदर ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा, अब राधे अवतार का समय आ गया है। श्री राधा रानी के नेत्रों से आंसू बह चले थे। भक्तों, इस प्रकार श्री राधा चरितामृत भाग 4 पूर्ण हुआ। भाग 1, 2, 3 की कथा आप मेरे चैनल श्री राधा चरितामृत प्लेलिस्ट में जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब भाग 5 की कथा अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।